अच्छा, मैं कोलंबिया के साथ ही एक और ये सेक्शन पे आया तो यहाँ भी टॉमी हिल्फिगर की जो है ये जैकेट्स लगी हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। ऑफकोर्स आपको पता है ये बहुत अच्छा ब्रांड है टॉमी, तो इसकी जो है जो ओरिजिनल प्राइस है वो $229 है, बट जो सेल प्राइस लगी हुई है यहाँ पे, मैं आपको सेल प्राइस दिखा देता हूँ, ये जो है $129.99 की लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है मैं एक कैलगरी के एक मॉल आया हुआ हूँ जिसका नाम शिनुक मॉल है, और मेरी मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा अगर मैं उस शॉप्स में जाऊँ मैं आपको विंटर की शॉपिंग के बारे में बताऊँ कि विंटर क्लोथ्स आपका कहाँ से बाय कर सकते हैं, और उसकी मे भी थोड़ी सी प्राइस का ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा। तो बस चलते हैं, मैं आपको और दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो है ये डायरेक्ट्रीज लगी होती हैं, आप जो है हम लोग अभी गैप ढूंढ रहे हैं तो हम लोग इधर हैं, सेम फ्लोर पे ऑल द वे। कनाडा नहीं, कनाडा हम लोग यहाँ पर हैं, ये ऑल द वे किसके पास है। अच्छा जी, तो मैं जो अभी गैप की शॉप के अंदर हूँ, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि टू या थ्री क्लासेस हो गई जब विंटर की अगर आप जैकेट्स की बात करते हैं, तो मैं अपने लिए तीन डिफरेंट चीज़ रखता हूँ। एक तो फर्स्ट, जब से जो सबसे कम जो सर्दी होती है उसके लिए जो मैं काइंड ऑफ थोड़ी सी चिली वेदर है उसके लिए जो पहनता हूँ वो मैं हुडी होती है, तो ये हुडी गैप की इट्स प्रीटी अच्छी है, मटेरियल अच्छा होता है। अभी जो है इसकी प्राइस है $49.95 है, बहुत $50 की प्राइस है अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो। और लेकिन इस पर जो है सेल भी लगती है जब बॉक्सिंग डे वगैरह आता है, लेकिन ऑफ कोर्स बॉक्सिंग डे में रश भी उतना ही होता है। और तो ये गैप की एक हुडी है, और सेकंड हुडी जो है ये कलर भी है यहाँ पे, ये अच्छा ज़्यादा कलर अच्छा लग रहा है। इसकी प्राइस चेक करते हैं हम लोग, ये भी $50 की इसकी प्राइस है। तो ये तो हुडीज हो गई जो आप ले सकते हैं, उसके अलावा ऑफ कोर्स टी शर्ट्स वगैरह तो रखी हैं, लेकिन आज मैं जो फोकस करूँगा वो गैप की वो विंटर की क्लोथिंग पे करूँगा। एक मिनट। अच्छा, गैप में जो ये बच्चों की जो जैकेट्स हैं ये भी लगी हुई हैं, लेकिन इनकी प्राइसेस मुझे कुछ हाई लग रही हैं। ये जैकेट जो है $118 की लगी हुई है, और ये कुछ और जैकेट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, ये 74 की है, थोड़ी सी हल्की है, लेकिन स्टिल प्राइस वाइज जो है ये मुझे हाई लग रही हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को बेस्ट प्राइसेस जहाँ पे मिले वो बताऊँ। अच्छा जी, तो मैं अभी आया हुआ हूँ बे, जो कि जिसमें आपको सारी चीज़ें जो हैं ऑलमोस्ट अवेलेबल थी हैं, क्लोदिंग से लेके परफ्यूम्स और हाउस होल्ड आइटम्स वगैरह। तो लेकिन मैं जो है अभी ये कोलंबिया के जो है जैकेट सेक्शन में आया हूँ, तो आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, आइडिया देता हूँ कि जैकेट्स किस तरह की होती हैं और क्या प्राइसेस होती हैं। तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग, ये देखते हैं। अच्छा, ये मैं आपको थ्री टाइप्स की जैकेट्स बताई थी। एक तो हुडीज होती हैं जो कि आप थोड़ा सा चिली वेदर है उसमें आप पहन लें, और दूसरी जो होती हैं कोलंबिया की, कोलंबिया यहाँ का कनाडा का बहुत अच्छा ब्रांड है, और ये जो है $140 इसकी प्राइस है। ये मैं काइंड ऑफ कहूँगा ये मिड लेवल जैकेट है जो आप परचेस कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा सर्दी ना हो तो ये पहन सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक ही जैकेट रखनी है और एक हुडी रखनी है तो और देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ और हैं जैकेट्स, इनकी प्राइस चेक करते हैं, 170 की है। ये भी मुझे प्रॉपर नहीं लग रही बिकॉज ये अंदर से जो है इसका जो बड़ी थिन है, इट्स नॉट थिक, राइट। यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, ये जो आ गई ये कोलंबिया की प्रॉपर जैकेट है, एक्स्ट्रा लार्ज है, और ये जो है इसकी प्राइस $290 की है। और ये आप देख सकते हैं इसमें प्रॉपर जो है अंदर उसमें इसका लाइनिंग है, आप ये इसके साथ जो है हुडी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अपना सर कवर करना हो। अगर मैं
ये वाली चेक करते हैं, ये भी मीडियम लेवल की आती है, ये अच्छी लग रही है। इसकी प्राइस है $230 की, लेकिन इट्स वेरी शाइनी राइट। और यहाँ पर आए, ये देखते हैं, लार्ज साइज है कोलंबिया का। और इसकी जो ये जो ऑफ पे लगी है बहुत अच्छी, अच्छा ये बे में आने की एक अच्छी बात आपको ये भी होती है कि इसमें सेल लगी होती है जैकेट्स पे। तो ये ओरिजिनल ओरिजिनल प्राइस 180 की थी, 20% ऑफ पे लगी है, तो ये $144 की कोलंबिया की आपको जैकेट मिल रही है। ये जो है सीके की यहाँ पे लगी हुई है, इसके अंदर लेयर्स हैं, जो है लेयर दी हुई है। और इसकी अगर प्राइस मैं आपको बताऊँ तो ये है $225 की। ये सारी सीके के का ब्रांड लगा हुआ है, जैक एंड जोन्स एक और है ब्रांड। इसकी जैकेट्स प्राइस चेक करते हैं, $135 की है। ये सारी गिर गई प्रॉब्लम। अच्छा ये जो है $89 एवरी डे, ये कुछ जैकेट्स लगी हुई हैं यहाँ पे, जैक एंड जोन्स की लगी हैं, लेकिन ये जो जैकेट्स हैं ये अंदर से जो है लाइक मीडियम आप समझ लें पहनने के लिए सही हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे कुछ और हैं लगी हुई हैं, ये जैक एंड जोन्स लिखा है 35% ऑफ ऑन अवर रेगुलर प्राइस। अच्छा मैं कोलंबिया के साथ ही एक और ये सेक्शन पे आया, तो यहाँ भी टॉमी हिलफिगर की जो है ये जैकेट्स लगी हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। ऑफकोर्स आपको पता है ये बहुत अच्छा ब्रांड है टॉमी। तो इसकी जो है जो ओरिजिनल प्राइस है वो $229 है, बट जो सेल प्राइस लगी हुई है यहाँ पे, मैं आपको सेल प्राइस दिखा देता हूँ, ये जो है $129.99 की लगी हुई है। तो इसमें डिफरेंट कलर्स आपको मिल जाएंगे, रेड कलर, ब्लू कलर, तो और इसकी क्वालिटी वाइज जो अंदर से मैं देख रहा हूँ एक प्रॉपर जैकेट है जो कि आपको मिल सकती है। तो बहुत अच्छी प्राइस है, सेल प्राइस जो लगी हुई है यहाँ पे टॉमी की। और जनरली बिकॉज अच्छी जैकेट जो आपको कॉस्ट होती हैं वो उसके लिए आपको जो बजट रखना चाहिए एटलीस्ट $200 to $250 आपको एक अच्छी जैकेट पे यहाँ पे आती है आपको लगेगी। तो ये और कुछ जैकेट्स रखी हुई हैं, मैं आपको थोड़ा सा निकाल के दिखाता हूँ, ये जैकेट्स होती हैं। और जो है इसकी प्राइस चेक करते हैं, सेम $229 की, बट ये जो है सेल पे लगी हुई है। तो ये मैं कहता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सेल लगी हुई है यहाँ पे एटलीस्ट टॉमी की जैकेट्स पे। ये और हैं, ये जो है इसको अगर मैं आपको खोल के दिखाऊँ, अंदर से वार्म है काफ़ी, $199 की प्राइस लगी है, बट मैं ये अच्छा ये अप्लाई 15 अच्छा ये तो पॉइंट्स के बारे में लिखा है, लेकिन जो ओवरऑल जो इनिशियली जो लिखा हुआ था वो 129 की, तो के जो कि जैकेट्स लगी हुई हैं। और थोड़ा सा दिखाता हूँ यहाँ पे और कलर्स हैं, ये देखें आप, ब्लैक में आपको मिल जाएगी $199। मैं ये श्योर नहीं हूँ कि सारी जो लगी हुई हैं वो 129 की हैं, बिकॉज इनिशियली तो उन्होंने यही लगाया हुआ है। गुड कलर, वाइट कलर अगर आपको पसंद है तो इसकी प्राइस सेम प्राइस 199 चेक करते हैं। अच्छा और ब्रांड्स भी हैं यहाँ पे, टिम्बरलैंड एक और कनाडा का ब्रांड है, अच्छी क्वालिटी की जैकेट्स ये जो हैं $200 लिखा हुआ है, $200 की हैं। नॉर्डन एक और ब्रांड है, इसकी जो जैकेट है $425 की जैकेट है ये, और लेकिन ये जो है बड़ी ज़बरदस्त सी लग रही है, इसमें डिफरेंस के फीचर्स वगैरह लिखे हुए। और
यहाँ पे लिखा हुआ है बेड इज 35% ऑफ ऑन आवर रेगुलर लेवीस, यहाँ पे लेवाइस की जैकेट्स रखी हुई हैं, जो कि यहाँ पे लेवाइस इतना जो मेनली सिर्फ जो है उसकी ये जो पैंट्स हैं जीन्स वही चलती हैं। आई डोंट थिंक सो कि जैकेट्स का यहाँ पे कनाडा में इतना है, जो है पॉपुलर है ये लेवाइस जैकेट्स के लिए ब्रांड। और ये ब्रांड इसका मुझे नहीं सुना, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है देख के लें कि आप कुछ ब्रांड्स हैं जो कि बहुत अच्छी बनाते हैं, बिकॉज़ अगर आप किसी अननोन ब्रांड की ले लें, हल्की सी जैकेट ले लें, तो वो आपके काम नहीं आएगी यहाँ पे, स्पेशली कैलगरी अल्बर्टा की विंटर में, क्योंकि आपको उसके लिए स्पेशली अगर आप आउटडोर ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर जैकेट चाहिए। जिस तरह मैं आपको बताया था कि और भी चीज़ें मिलती हैं, तो ये जो है पूरा होम का सेक्शन है, किचन के यूटेंसिल्स वगैरह आपको अवेलेबल हैं, कॉफ़ी मशीन रखी हुई है, और फिर जो है क्लोथ्स की तो पूरा ये सेक्शन है जो कि आपको फॉर्मल क्लोथिंग, इनफॉर्मल जैकेट्स सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। ये जो है होम का सेक्शन आ गया हाल से, लेकिन मैं जाऊँगा नीचे दोबारा जो है वापस जो है निकलते हैं यहाँ से। ये जो मैं नीचे वाले सेक्शन में आ गया हूँ, तो इन्होंने कुछ लाइट्स लगाई हुई हैं क्रिसमस की, लेकिन हम लोग चलते हैं आगे। हाँ, ये जो है परफ्यूम सेक्शन है, इनका पूरा परफ्यूम का बहुत अच्छा कलेक्शन होता है। अगर आपको परफ्यूम लेने हो कभी, तो डेफिनेटली आप जो है हर तरह के ब्रांड्स के परफ्यूम आपको अवेलेबल होंगे और टॉप क्वालिटी। तो ये जो है मैं एग्जिट पे आ गया हूँ, अभी पे आ गया हूँ ज़ारा मैन के अंदर। ये देखें, ये एक और जो है स्टाइल चलता है, जो है लड़के पहनना पसंद करते हैं, बहुत स्टाइलिश लग रहा है। इसकी अगर मैं आपको इसका प्राइस टैग, आई डोंट थिंक सो लगा हुआ है, इसका प्राइस टैग नहीं लगा हुआ, पीछे नहीं, पीछे भी नहीं लगा हुआ, मैंने डिस्प्ले के तौर पर रखा है, लेकिन ये एक और जो है एक स्टाइल है, अच्छा लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे तो सूट्स वगैरह आ जाते हैं, लेकिन हमें सूट्स की तरफ नहीं जाना। कैप्स, जैकेट्स, कुछ जैकेट्स यहाँ पे लगी हुई हैं, ये देखते हैं। ज़ारा की ब्रांड की जैकेट है, $119 की। ये है जैकेट, लुक्स नॉट दैट बैड, लेकिन बट इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। सो एनीवेज, मैं मेनली मैं शॉपिंग जो है कुछ जैकेट्स करने के लिए नहीं आया हूँ, मेरी फैमिली वाइफ को जो है कुछ शॉपिंग करनी थी बेबी की, तो मैंने सोचा मैं यहीं पर था, तो मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। ये एक और है ज़ारा का ही ब्रांड, $119 सेम प्राइस। इसको वापस रखते हैं, कैप्स लगी हुई हैं, और ये एक और स्टाइल है $99, बहुत बड़ा सा, ये तो कोई ओल्ड लोगों का स्टाइल लग रहा है मुझे। सो ये जो दिखाया था मैंने, कुछ लड़के पहनते हैं यहाँ पे, $259। ज़्यादा थोड़ा सा आपको पता है ऑन द हायर एंड साइड है जो ब्रांड है, ये बड़ी स्टाइलिश ही लग रही है, $139 की मीडियम है, काइंड ऑफ जैकेट टाइप की लगी हुई है सारी। अच्छा, यहाँ पे कुछ और जैकेट्स ये इस तरह टाइप की लगी हुई हैं, इसके डिफरेंट कलर्स हैं, आपको निकाल के दिखा देता हूँ कैसी लगती हैं। और इसकी जो प्राइस लिखी हुई है $139, तो ये बेटर है, लेकिन ये जो है आप एज अ फॉर्मल सेटिंग में, या अगर आपको स्टाइल ये पसंद है तो आप उसमें पहन सकते हैं, लेकिन ये जो अंदर से इतनी वार्म होती नहीं है, तो इसके अंदर अगर आप जो अंदर लेयर्स पहने हुए देन इट विल वर्क, लेकिन ये कि एक प्रॉपर जैकेट के तौर पे यूज़ नहीं होती। एज अ गिर गए, मैं उठा देता हूँ, अगर आप किसी फॉर्मल वर्क प्लेस पर जा रहे हैं तो आप डेफिनेटली, या किसी के घर वगैरह जा रहे हैं तो आप जो है ये पहन सकते हैं, लुकिंग गुड। ज़ारा में बहुत बड़ा जो है मेनली वुमेन का सेक्शन भी है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये जो है वो लेडी सेक्शन में आ गया, तो प्राइस प्रीटी मच सिमिलर होंगी, $119 की आपको ये इस तरह की जैकेट्स मिल रही हैं। कलर्स बहुत ही
फंकी टाइप का कलर लगा हुआ है, लेकिन स्वेटर्स आपको मिलेंगे, आपको लॉन्ग कोट्स यहाँ पे ज़ारे के बहुत अच्छे होते हैं, स्टाइलिश होते हैं स्पेशली वुमेन के लिए, राइट। और इस तरफ आऊँ, ये इस तरह की लॉन्ग जैकेट्स लगी हुई हैं, ये लॉन्ग जैकेट्स स्मॉल साइज $99 की है, बहुत ही अजीब सा स्टाइल लग रहा है मुझे। तो ये आपको जो है पूरा सेक्शन, ऑफ कोर्स ज़ारा तो जो है भरा हुआ है वुमेन के कपड़ों से, तो आप डेफिनेटली आके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जी तो बता, मैं आपको ये रहा था कि तीन तरह की जैकेट्स मैं अपने लिए रखता हूँ। तो काइंड ऑफ हुडी होती है जो कि थोड़ी सी सर्दी हो, चढ़ा लिया आपने और निकल गए, ईजी होती है, ईजी टू वेयर और थोड़ी सी चिल वेदर में तो काम आ जाती है। सेकेंड जो होती है उससे थोड़ी सी जो जैकेट होती है लेकिन इतनी भारी जो प्रॉपर जैकेट नहीं होती, जो मैं आपको कुछ दिखाई थी डिफरेंट कैटेगरीज़ को आपको पता चल गया होगा, तो वो जैकेट होती है। और जब मैं जो है हाइकिंग वगैरह पे जाता हूँ या स्की पे जाता हूँ तो वो उसके लिए जो है प्रॉपर जैकेट अपने साथ रखता हूँ। यू डेफिनेटली जब आप स्की या हाइकिंग करते हैं तो यू नेवर नो कि जो है सर्दी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इस ये तीन तरह की जैकेट्स जो होती हैं, आप जो है दो तरह की रख सकते हैं, एक हुडी ले सकते हैं और एक जो है प्रॉपर जैकेट अपने लिए रख लें। और डेफिनेटली बे पे जिस तरह मैंने आपको दिखाया बहुत अच्छी सेल लगी है, स्पेशली टॉमी हिलफायर के ब्रांड पे, तो आप डेफिनेटली आएँ चेक करें। और अगर अभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको एक और शॉप दिखाता हूँ, शॉप्स तो बहुत है लेकिन बे जो है समझ लें काइंड ऑफ अ वेयर हाउस है, जहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे और हर तरह की चीज़ मिल जाएगी। अभी मुझे एक और जैसे मुझे मौका मिलता है अगर वहाँ से गुजरते तो मैं आपको एक और शॉप भी दिखाता हूँ। अगर आप लोगों को ग्लव्स चाहिए तो ग्लव्स के लिए आपके पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं। आप इवन जैकेट के लिए भी आप चेक करने के लिए विनर्स जा सकते हैं, एक शॉप है मार्शल के नाम से, एक और शॉप है उस पर आप जा सकते हैं। सिमिलरली आप बे से भी चेक कर सकते हैं ग्लव्स, और कभी कभार वॉलमार्ट पे इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती। जनरली मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आपको अच्छे ग्लव्स चाहिए तो इन शॉप्स को चेक करें। प्लस मार्क्स एक और शॉप है, उस पर भी आपको स्पोर्ट्स चेक हो गई, मार्क्स हो गई, इन शॉप्स पे आपको ग्लव्स इजीली अवेलेबल विंटर के लिए हो सकते हैं। चलिए कनाडा में एक और आउटडोर विंटर स्टफ़ की शॉप माउंटेन वेयरहाउस, जिसमें आप लोग आ सकते हैं, तो यहाँ पे चलते हैं। और इनके पास भी जैकेट्स होती हैं और आउटडोर स्टफ़ होते हैं, तो मैं जनरली आता रहता हूँ बिकॉज़ मैं हाइकिंग वगैरह की चीज़ें कुछ छोटी मोटी चीज़ें मिलती हैं, उनके पास जैकेट्स लगी हुई हैं। इनकी प्राइसिंग भी अच्छी होती है, क्वालिटी बहुत बैड नहीं होती। ये लगी है तो ये तो हाई एंड पे लगी है $319 की। तो ये जो है अच्छा स्नो पैंट्स वगैरह, स्नो वो भी आपको मिल जाएंगी, बच्चों की जैकेट्स लगी हुई हैं, ये जो है फ्रॉम $59.99 ऑनवर्ड्स ये जैकेट्स लगी हुई हैं। ये लगी है $240 kind of a hoodie sweater type of stuff। अच्छा मैं आपको वो दिखा दूँ, मैं भी इसकी बात कर रहा था इसकी gloves की, तो ये मेरे पास gloves हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं। तो ये जो है कैनेडियन $59.99 के, लेकिन अगर आप member हैं यहाँ पर तो इनकी आपको member pricing भी मिलती है। जैसे ये लगे हुए $39.99 के, लेकिन अगर आप जिस तरह मैं आपको बता रहा था विनर्स पे चेक करें तो आपको ये ग्लव्स की भी अच्छी प्राइसिंग मिल जाएगी। ये आइस थर्म की वाली जो है के लिए माउंटेन वेयरहाउस की पेंट्स लगी हुई है, उसकी प्राइस जो है $69.99 लगी हुई है। फोर वे स्ट्रेच पेंट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा वार्म नहीं है मुझे नहीं लगी, लेकिन स्टिल ये आप जो है आउटडोर पहन सकते हैं जब बहुत ज़्यादा सर्दी ना हो। यहाँ पे जनरली पैंट्स के अंदर एक और लेयर पहनते हैं लोग, थर्मल पहनते हैं जिसको कहते हैं थर्मल। तो ये लगी हुई हैं $79.99 के प्राइसेस की। और यहाँ पे ये जो है आपको टोक्स वगैरह मिल जाएंगे, माउंटेन वेयरहाउस ये टोक्स वगैरह लेने के लिए अच्छी जगह है, सर में पहनने के लिए $90.99 की लगी है, लेकिन इनकी मेंबर प्राइसिंग भी होती है, आपको सिर्फ ईमेल देके आप मेंबर बन सकते हैं तो आपको जो है मेंबर प्राइसिंग मिलती है। ये और अच्छा ये और लगे हैं $34.99 के ग्लव्स, अच्छी क्वालिटी के ग्लव्स लग रहे हैं।
और अच्छा यहाँ पे ये इंसुलेटेड ये वुमेंस का लॉन्ग स्लीव अंडर पेन है, पहनने के लिए बेस लेयर लिखा हुआ है ये है। यहाँ पे एक और सेल लगी हुई है 1619 की थी, एक काइंड ऑफ अ स्वेटर टाइप 5999 का मिल रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये एक्चुअली मेनली इस पर लगी हुई है, ये कलर दूसरा कलर 5999 का। और फिर जो है यहाँ पे शूज़ भी आपको मिलते हैं, मैं शूज़ थोड़ा सा देखने के लिए आया था। शूज़ लगे हुए हैं यहाँ पर, वाइब्रम का मटेरियल है, बहुत अच्छा मटेरियल होता है। ये हाइकिंग शूज़ हैं आप देख सकते हैं, 100 एंड रिटेल प्राइस 239 की 144.99 के लगे हैं। अच्छा अगर आप शूज़ देख रहे हैं तो बहुत अच्छी प्राइस पे यहाँ पे शूज़ मिलते हैं, 29.99 वॉकिंग शूज़ लगे हुए, काइंड ऑफ अ वुमेन लग रहे हैं, लेडी शूज़ कलर से, लेकिन एक ये आउटडोर वॉकिंग शूज़ 59.99 के लगे हुए हैं। और ये देखें ये कलर अच्छा लग रहा है, ये आपको जो है वॉक स्नो में वॉक कर सकते हैं इसके साथ, बिकॉज ये आप जो है इसमें जो है क्या कहते हैं इसको स्ट्रेडेड टायर्स से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, इसमें ग्रिप है इसकी जो कि आपको बचाएगी स्लिप होने से। और ये और लगे हुए ये देखूँ तो ये और जो है मैन एंड वुमेन दोनों के आप शूज़ ले सकते हैं। कुछ और चीज़ें अवेलेबल होती हैं, टॉर्चेस अवेलेबल होते हैं, हेड लैम्प्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, 999 के हेड लैम्प्स मिलते हैं। और यहाँ पे जो है हाइकिंग बैग्स वगैरह आप जो है ट्रैवल के लिए लेके जा सकते हैं, वो बैग्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, कप्स वगैरह। तो बड़ी अच्छी शॉप है माउंटेन वेयर हाउस, जहाँ पर मैं जब आउटडोर कोई चीज़ ख़रीदनी होती है तो मैं आता हूँ। सर ये था थोड़ा सा जो टूर और डिटेल्स आपके कहाँ से विंटर शॉपिंग कर सकते हैं, इंक्लूडिंग जैकेट्स, ग्लव्स और जो है टोक्स वगैरह जो कि हेड पे पहनते हैं। ये कुछ दुकानें थी जो मैंने आज आपको दिखाई हैं। यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन दबाना नहीं भूलेगा, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर देगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए खुदा हाफिज़।